दोस्तों अब हम चंडीगढ़ से सरहिंद हो चुके हैं और बस ने हमें फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर उतार दिया है। यहाँ से हम पैदल वॉक करके सीधा फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको घुमाते हैं फतेहगढ़ साहिब और डिटेल में सारे गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों हम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे की तरफ बढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे की ओर बढ़ चले हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर लोगों की कतार चलती हुई और ये सभी लोग शहीदी दिवस के उपलक्ष में आज फतेहगढ़ साहिब दरबार की ओर जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लंगर के पंडाल भी देखने के लिए मिल जाते हैं।
चौड़ा भी
ਟਰੈਵਲ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਹਾਂਜੀ अब हम लंगर खाने के लिए एक स्टॉल में बैठ गए हैं। यहाँ पे लाइन से कई सारे स्टॉल हैं, अगर काउंटिंग की जाए तो काउंटिंग करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन स्टॉल्स ख़त्म नहीं होंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर सेवा होती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप एक अलग ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं और सिख धर्म को बहुत ही ज़्यादा करीब से जानने वाले हैं। चलिए अब हम अपना लंगर चखते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ¡Gracias!
यहाँ पे गुरु वाणी पटकी नहीं जा रहे हैं Thank you.
दोस्तों अब हम फतेहगढ़ साहिब में स्थित मुख्य गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं। ये वही गुरुद्वारा है जहां पर दोनों साहिबजादों को चिन्हवा दिया गया था और यहीं पर ही ठंडा बुर्ज स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुरुद्वारे के अंदर चलेंगे और अंदर से गुरुद्वारे के लाइव दर्शन करेंगे। ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ
दोस्तों अब हम फतेहगढ़ साहिब पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे ठंडा बुर्ज देख सकते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਧੁੱਪੇ ਤਾਈ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਦ ਉਤਾਰ ਕੇ।